Hello everyone, welcome to my channel once again. This is the last video of class 10th geography lesson 3, water resources. चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ डैम्स के बारे में. डैम्स दो तरह से हो सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चर या मटेरियल के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं या फिर उनकी हाइट के बेसिस पे. स्ट्रक्चर एंड मटेरियल के बेसिस पे हमारे पास होते हैं टिम्बर डैम्स, मैसनरी डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स एंड हाइट के बेसिस पे वी हैव लार्ज डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड लो हाइट डैम्स. टिम्बर डैम्स का मेन स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ होता है जो कि प्राइमरीली कॉनिफरस ट्रीज की होती है जैसे कि पाइन या फर. डियर चिल्ड्रन, जो एम्बैंकमेंट डैम है वो सॉइल, सैंड, क्ले एंड रॉक के मिले जुले मिश्रण से बनता है और इस डैम के अंदर मशीन्स के थ्रू सॉइल को इतना ज्यादा दबा दिया जाता है कि उसके बीच में से जो भी एयर पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं और डैम को बहुत ज्यादा हार्डनेस मिलती है. प्लस डैम के बीच का जो पोर्शन है वो इम्परमिएबल रॉक से बनता है, यानी कि उन रॉक से जिसके थ्रू पानी पास ना हो सके. सो इससे डैम का स्ट्रक्चर काफी हार्ड हो जाता है और लीकेज पॉसिबल नहीं हो पाती. ये देखिए, ये भी एक पिक्चर है एम्बैंकमेंट डैम की. मैसनरी डैम्स के कंस्ट्रक्शन में मेनली स्टोन्स एंड ब्रिक्स का यूज होता है एंड इंस्टेड ऑफ सीमेंट जनरली मोर्टार का यूज किया जाता है. सो डियर चिल्ड्रन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम बारिश के पानी को सेव करते हैं, उसको वेस्ट होने से रोकते हैं ताकि हम उसका यूज कर सकें. वाटर हार्वेस्टिंग की हम एक बहुत ही अच्छी टेक्निक देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में. यहाँ पे डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते हैं जिनको कहा जाता है कुल्स और गुल्स, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं. हिमालयाज में कई जगह पे गुल या कुल बनाए जाते हैं जो कि डायरेक्टली ग्लेशियर से कनेक्टेड होते हैं. ग्लेशियर का जो पानी पिघल के आता है या ग्लेशियर के नीचे की तरफ जो बारिश का पानी होता है वो इन चैनल्स के थ्रू फ्लो होता हुआ एक टैंक में जाके इकट्ठा होता है और उस टैंक में जब पानी भर जाता है तो टैंक के गेट्स खोल दिए जाते हैं. फिर टैंक के एग्जिट चैनल से पानी होता हुआ जहां पे भी उसको डाइवर्ट किया जाना चाहिए वो वहां पे डाइवर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि किसी फार्म लैंड में. सो ये हैं रियल इमेजेस. ग्लेशियर से कनेक्टेड है कुल और कुल से होता हुआ पानी जाके इकट्ठा हो जाता है टैंक में. डियर चिल्ड्रन, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि फॉलो होती है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, यहाँ के ड्राई एरियाज में. इस तरह के टैंक्स बनाए जाते हैं जिनको जोहाट्स भी कहा जाता है और जैसलमेर में इन्हीं को खादन्स कहा जाता है. ऑल्दो खादन सिस्टम जोहाट से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ढलान के नीचे की तरफ ये टैंक्स बनाए जाते हैं ताकि ढलान से होता हुआ पानी जो आएगा बारिश का वो सीधा इन टैंक्स में इकट्ठा हो जाता है. ये जो सबसे पहली इमेज आप देख रहे हैं इसमें जो फील्ड्स हैं इनको खादन एरिया भी कहा जा सकता है, क्रॉप्ड एरिया भी कहा जा सकता है. पीछे की तरफ इस इमेज में आपको एक रॉकी सरफेस दिख रहा है जो थोड़ा उठा हुआ है, तो जब बारिश होती है तो उस उठे हुए सरफेस से, उस ढलान से पानी होता हुआ नीचे की तरफ आता है इन खेतों में जो, और इन खेतों को इरीगेट कर देता है. और इन्हीं फार्म लैंड्स में जोहाट्स बने हुए होते हैं जैसा कि सेकंड इमेज में दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है. और कई बार बारिश बहुत ज्यादा होती है फ्लडिंग के केस में पानी को एक खेत से दूसरे खेत में डाइवर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि इमेज 3 में दिख रहा है. उसमें इस तरह से रास्ते बनाए जाते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो, वो एक खेत से दूसरे खेत में चला जाए. इसी को हम खादन सिस्टम कहते हैं और जो टैंक्स हैं उनको जोहात भी कहा जाता है. शायद इस इमेज से सिस्टम और क्लियर हो जाएगा. अपलैंड से होता हुआ पानी नीचे की तरफ आया है जिसको हम खादन या क्रॉप्ड एरिया कहते हैं. खादन बंद बनाया जाता है ईंटों का, पत्थरों का, ताकि वो पानी आगे ना जा पाए और अच्छी तरह से फील्ड्स को इरिगेट कर दे. और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अंडरग्राउंड सीप कर जाता है और एक शैलो डग वेल में या जोहात में इकट्ठा हो जाता है. हिमालयाज में कई जगह पे गुल या कुल बनाए जाते हैं जो कि
डायरेक्टली ग्लेशियर से कनेक्टेड होते हैं। ग्लेशियर का जो पानी पिघल के आता है या ग्लेशियर के नीचे की तरफ जो बारिश का पानी होता है वो इन चैनल्स के थ्रू फ्लो होता हुआ एक टैंक में जाके इकट्ठा होता है, और उस टैंक में जब पानी भर जाता है तो टैंक के गेट्स खोल दिए जाते हैं, फिर टैंक के एग्जिट चैनल से पानी होता हुआ जहाँ पे भी उसको डाइवर्ट किया जाना चाहिए वो वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि किसी फार्म लैंड में। डियर चिल्ड्रन, एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है वाटर हार्वेस्टिंग की जो मेघालय में फॉलो होती है, और उसको कहा जाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। इस सिस्टम में एक बैम्बू पाइप दूसरी बैम्बू पाइप से कनेक्ट होती है, वाटर ट्रांसफर होता है और जहाँ पे भी पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचता है। कुछ इस तरह से ये बैम्बू पाइप्स कनेक्टेड होती हैं, और जहाँ पे भी पानी का कलेक्शन है वहाँ से ये बैम्बू पाइप्स होती हुई एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक पहुँचती हैं, और फील्ड्स में पहुँचने के बाद इन पाइप्स में छेद होते हैं और उन होल्स के थ्रू एक मिनट में 20 से 80 ड्रॉप की स्पीड पे पानी प्लांट्स के ऊपर गिरता है। डियर चिल्ड्रन, क्या आपको पता है तमिलनाडु इंडिया की पहली स्टेट है जहां पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाना हर हाउस होल्ड के लिए कंपलसरी है? क्या आपको पता है शिलोंग, जो कि मेघालय के मौसी नरम से थोड़ा ही दूर है, वहां पे बारिश की बहुत कमी रहती है और वहां पे तकरीबन हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। मौसी नरम क्या है? मौसी नरम मेघालय में एक जगह है एंड दैट इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे होती है। और क्या आपको पता है गेंथादूर, जो कि मैसूर कर्नाटका में एक विलेज है, वहां पे तकरीबन हर हाउस होल्ड ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है और वो विलेज बहुत ही रिच है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। डियर चिल्ड्रन, क्या आपको पता है राजस्थान भले ही एक ड्राई स्टेट है लेकिन वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धीरे धीरे अपनी जगह खोता जा रहा है। ऑल्दो कुछ हाउस में टंकाज लगे हुए हैं, ऐसा तब से हुआ है जब से इंदिरा गांधी कैनाल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज रिवर से कनेक्ट होता हुआ राजस्थान के काफी सारे ड्राई एरियाज को कवर करता है और उसमें पानी पहुंचाता है। कैनाल कुछ ऐसा दिखाई देता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।